आपको कैसा लगेगा अगर आपका शेयर 100 में बिकता है लेकिन आपको बस बोला जाता है कि वो 50 में बिका, या फिर आपका शेयर ही चोरी हो जाता है। 1996 से पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज से आपको एक ऑनरशिप सर्टिफिकेट मिलता था। अब सोच लीजिए, जहां हर दिन करोड़ों करोड़ शेयर बाय सेल होता है, वहां कितना ज़्यादा सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, मतलब लॉट्स ऑफ पेपर वर्क। साथ ही पेपर है तो उसका डुप्लीकेशन, चोरी, ये सब तो होगा ही। तो बस यही सबको रोकने के लिए सरकार जन्म देती है डीमैट अकाउंट को, जहां स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। और साथ ही सरकार ने ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना कंपलसरी भी कर दिया। और ये जो डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टॉक्स आएगा, वो जाके स्टोर होता है फाइनली CDSL में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा। हे दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज हम एनालाइज करने वाले हैं CDSL लिमिटेड के बारे में। हम यहाँ मोस्टली CDSL को चार फंडामेंटल पॉइंट पर एनालाइज करेंगे। सबसे पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हम यहाँ हिस्ट्री बेसिकली पूरा ओवरऑल हिस्ट्री बात करेंगे कि कहाँ से ये बना। साल था लगभग 1992-93 का, जब इंडियन गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को फॉरेन मार्केट से कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए BSE के पास DMAT का प्रपोजल भेजती है। मतलब कहे तो फिजिकल सेल्स जो बाय सेल होता था उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कराने के लिए प्रपोजल भेजती है BSE को। पर BSE ही क्यों, उसमें तो बहुत सा मार्केट था, क्योंकि उस समय देश का सबसे बड़ा मार्केट स्टॉक मार्केट था BSE, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम से देख ले या फिर क्लाइंट के हिसाब से देख ले। लेकिन उस समय जो प्रपोजल सरकार भेजी थी उसको ब्रोकर्स रिजेक्ट कर देते हैं, और ब्रोकर्स ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उस समय मार्केट में ब्रोकर्स का बहुत बड़ा दबदबा था और सरकार कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। बात यहाँ तक पहुँच गया था कि ब्रोकर सब मिलके BSE का ट्रेडिंग को कुछ दिन के लिए बंद तक कर देता है। अब ब्रोकर्स का इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे कारण भी है। उस समय शेयर्स का बाय सेल बहुत ज़्यादा ओपेक था। मतलब अगर ब्रोकर्स मान लेते हैं कि 50 रुपये में आपका कोई शेयर बेचा तो आपको बोलता था कि ठीक है, हम 60 रुपये में बेच दे रहे हैं, आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन खुद बेचता था उसको 100-150 में, जिससे वो बिना रीज़न का प्रॉफिट कमा लेता था काफ़ी हैवी। सो BSE जब सरकार को आंख दिखाने लगा तो सरकार को मजबूरी में एक नया स्टॉक मार्केट बनाना पड़ा, जिसको कि हम NSE से जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा संतोष नायर का एक बुक है, बियर, बुल और बीस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको वन टाइम रीड बुक है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में। तो NSE जब बन गया तो NSE का पूरा ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा गया, कोई फिजिकल वहाँ शेयर का बाय सेल नहीं होता था, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक। तो जब इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सेव करने के लिए NSDL को बनाया गया। साथ ही 1996 में सरकार पास करती है डीमेटेरियलाइजेशन एक्ट। इसे बेसिकली होता यह है कि हर किसी को अब अपना शेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक कंपल्सन कर दिया जाता है, जिसका कारण यह होता है कि NSE का ग्रोथ काफ़ी तेजी से होने लगता है और BSE को न चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में उतरना ही पड़ता है ट्रेडिंग के लिए। और उस इलेक्ट्रॉनिक शेयर को स्टोर करने के लिए BSE बनाती है CDSL 1999 में, काफ़ी सालों बाद। 1999 के बाद CDSL अपना सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा देशों के साथ MOU साइन करती है, साथ ही एडिशनल फीचर्स भी ऐड करती है। लेकिन फाइनली कुछ भी करने के बावजूद ये CDSL से हमेशा पीछे ही रहती है, उसका भी रीज़न वो हम आगे बिजनेस मॉडल में बताएंगे। फाइनली यहाँ तक समझते हैं हिस्ट्री। 1999 के बाद फाइनली कंपनी धीरे धीरे चलने लगता अच्छे तरीके से, 2017 में CDSL का IPO आता। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी का हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। चलिए पहले समझते हैं कि पूरा का पूरा शेयर मार्केट काम कैसे करता है। मान लेते हैं कंपनी ए है। अब कंपनी ए को एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो वो दो तरीके से उठा सकता है, पहला तो वो कर्जा लेके और दूसरा अपना कंपनी का शेयर को बेच के। अब हम यहाँ ये बात नहीं करने वाले कि इसमें पैसा वापस करना पड़ेगा या कौन ज़्यादा अच्छा है, या आप देख लीजिएगा कौन सा बेटर होता है इक्विटी या डेट कंपनी के लिए, आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। यहाँ बस इतना समझिए कि पैसा उठाने का किसी भी कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो डेट या तो इक्विटी। अब अगर इक्विटी मतलब होता है शेयर इशू करके। अब अगर किसी कंपनी को अपना शेयर बेच के पैसा उठाना है तो सबसे पहले वो खोजेगी मार्केट, या कहें शेयर मार्केट। और इंडिया में अभी मेजरली बस दो ही है, BSE और NSE। पहले बहुत सारा था, अभी बस दो ही है, BSE और NSE। कंपनी पहली बार जब शेयर बेचती है तो IPO के थ्रू बेचती है, उसको बेसिकली IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उस मार्केट को अलग से नाम दिया जाता है प्राइमरी मार्केट। होता सब कुछ वहीं पे है, बस कंपनी इशू कर रही है पहला बार तो उसको प्राइमरी मार्केट बोल दिए। प्राइमरी मार्केट में आने के बाद कंपनी पैसा उठा ली, अब शेयर चला जाता है सेकेंडरी मार्केट में, है वही चीज़, बस बोल दिया गया सेकेंडरी मार्केट में गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर किसी को मान लेते हैं कि हमको शेयर बेचना है और किसी को खरीदना है कंपनी ए का, दोनों का रीज़न अपना अपना हो सकता है कि किसी को कोई चीज़ अच्छा लगा, किसी को कोई चीज़ खराब लगा, तो वो शेयर खरीद बिक्री होगा। तो जब शेयर को खरीद बिक्री करना होगा तो कंपनी तो पहला बार में शेयर बेच दी, अब जिसको जिसको मिलना था मिल गया, सारा डेटा स्टोर हो गया CDSL या NSDL में। अब मान लेते हैं कि दूसरा आदमी, मान लेते हैं आप और हम खरीद लिए थे शेयर और हम दोनों बेचते हैं, तो किसी तीसरा या चौथा के पास जाएगा, फिर ऑनरशिप चेंज हो रहा है। ये जो ऑनरशिप चेंज हो रहा है उसका डेटा को मेंटेन करने के लिए CDSL चार्ज करती है कंपनी को,
कि ठीक है हम आपका शेयर जो आप बेचे हैं उसके लिए हम चार्ज करेंगे, उसका जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए हम एनुअल चार्ज करेंगे। हो सकता है कि ₹5 रहे, ₹10 रहे, अमाउंट यहाँ नहीं हम बोल रहे हैं। बेसिक है कि जो भी कंपनी लिस्ट होगा वो शेयर रिलीज करेगा। अब जब शेयर रिलीज करेगा तो वो जाएगा कहाँ, NSDL में, CDSL में, ये दो जगह स्टोर होता है। तो जब NSDL और CDSL में जाएगा तो वो दोनों वहाँ स्टोर करने का और जो ट्रांजेक्शन होगा उसको मेंटेन रखने का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेती है। अगर ऑनरशिप का बात करें तो ओवरऑल शेयर का ऑनर NSDL और CDSL ही होता है। इसको हम रिलेट करें जमीन से तो जैसे जमीन का ऑनर होता है स्टेट गवर्नमेंट, उसी तरीके से शेयर का ऑनर, बेसिक ऑनर, एक्चुअल ऑनर हम बोलेंगे वो होता है NSDL और CDSL। अलॉट आपके नाम पे हो जाता है, ठीक है आप शेयर खरीदे तो आपके नाम से है, लेकिन एक्चुअल ऑनर होता है CDSL और NSDL। और कंपनी को जो यहाँ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कंपनी दे रही है उससे कंपनी को लगभग 25% रेवेन्यू जनरेट होता है CDSL को, मतलब जो कंपनी लिस्टिंग होने आ रही है उससे कंपनी को लगभग 25% का रेवेन्यू, एक चौथा रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है एनुअल मेंटेनेंस जो चार्ज दे रही है उससे, जो कि रिकरिंग होता है, मतलब हर साल कंपनी पे करेगी और स्टेबल होता है। कंपनी जो आती है लिस्ट होती है वो 5 साल 10 साल 15 साल तक रहती है, कुछ कुछ कंपनी तो 40-50 साल तक रहती है, तो कंटिन्यूस वो पे करेगी, तो ये रिकरिंग होता है हर साल और स्टेबल होता है। अब हम ये तो हम आपको समझाएं बैकएंड कि किस तरीके से कंपनी पैसा कमाए पीछे दूसरा कंपनी से जो लिस्ट हुआ। अब हम बात करेंगे फ्रंटएंड का। अब मान लेते हैं कि हम आप या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जो CDSL है NSDL है वो डिपॉजिटरी है, पहले जान लीजिए डिपॉजिटरी मतलब शेयर डिपॉजिट होता है वहाँ, इसीलिए डिपॉजिटरी बोलते हैं। तो हम चाहे किसी कंपनी का शेयर खरीदना तो हम डायरेक्ट CDSL या NSDL के पास जाके नहीं खरीद सकते, हमको क्या करना पड़ेगा कि जो डिपॉजिटरी है जहाँ डिपॉजिट होता है CDSL या NSDL उसका एक विंग होता है, हम बोल सकते हैं एक विंग नहीं, उसके नीचे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है जिसको हम लोग आम भाषा में ब्रोकर बोल सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता है उसमें लेकिन हम आम भाषा में बोले तो ब्रोकर जो आपका ज़ीरोधा ग्रो ये सब है, तो ये बेसिकली है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही आप जाके शेयर खरीद सकते हैं जो फाइनली जाके डिपॉजिटरी में डिपॉजिट होगा। और जब ये बाय और सेल होगा मतलब हम खरीदे या हम बेचे दोनों कंडीशन में थोड़ा सा चार्जेस लेता है CDSL स्टोर करने का, क्योंकि हर बार ऑनरशिप पार्शियल ऑनरशिप ही सही लेकिन चेंज तो हो रहा है। अब जमीन खरीदने जाते हैं तो हर बार रजिस्ट्री में तो पैसा लगता ही है, कुछ उसी तरीके का है कि CDSL हर बार ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ पैसा लेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है भले छोटा ही अमाउंट का होता है लेकिन CDSL को लगभग 35% का रेवेन्यू जनरेट करके देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है जिसके वजह से ये रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब रेवेन्यू कब जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होगा, और ट्रेडिंग कब होता है बुल मार्केट में, तो बुल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ मतलब ये हाईली बोल सकते हैं साइक्लिक नेचर का होता है। बुल मार्केट तो ट्रेडिंग ज़्यादा तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा, वही अगर बियर मार्केट का बात करें तो उसमें ट्रेडिंग कम होता है, बहुत कम आदमी शेयर मार्केट में आता है, उस कंडीशन में होता है ये, थोड़ा सा साइक्लिक नेचर शो करता है बियर बुल में। सेम चीज़ IPO और कॉरपोरेट एक्शंस में भी होता है। आप देखे होंगे कि बुल मार्केट के टाइम बहुत ज़्यादा IPO आता है तो उतना ही ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, और कॉरपोरेट एक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है क्योंकि बुल मार्केट में बहुत सारा चीज़ होने लगता है, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगता है, तो कंपनी सोचता है क्यों ना बोनस दे दे या स्प्लिट कर दे शेयर, तो ये सबसे भी जनरेट होता है CDSL को रेवेन्यू। और IPO और कॉरपोरेट एक्शन से बात करें तो ये 10% होता है, ये हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है, डिपेंड करता है बियर बुल पे दोनों, ट्रांजेक्शन भी और IPO और कॉरपोरेट एक्शन भी दोनों। लास्टली हम बात करेंगे कंपनी को जो 15-16% रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसका सब्सिडरी CDSL वेंचर लिमिटेड से होता है। बेसिकली इसका काम है KYC करना, ये एक सब्सिडरी है CDSL का जो KYC का काम करती है। अगर हम कहीं भी अकाउंट खुलवाते हैं तो हमको KYC कराना पड़ता है, तो पहले था कि पेपर हम देते थे लेकिन आजकल डिजिटलाइज हो गया है तो ये डिजिटल डेटा को स्टोर करती है। हाँ पुराना डेटा को भी स्टोर करती है लेकिन आजकल जो हम लोग नया अकाउंट खोल रहे हैं वो मोस्टली डिजिटल फॉर्म में होता है। तो जो सेबी है वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब जो ब्रोकर है उसका आप KYC कर सकते हैं, आपको ऑथराइजेशन दिया हुआ है, इसीलिए ये उसके लिए चार्ज करती है। जितना भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो भी KYC करना आएगा उसे वो चार्ज करेगी कुछ पैसा। तो सबसे पहला बात कि जब पहला बार कोई आता है KYC कराने के लिए तो वो डेटा को लेती है स्टोर कर देती है। अब मान लेते हैं कि हम CDSL में गए, हम गए ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा लिए, ठीक है अकाउंट खुलवाने के बाद मेरा डेटा CDSL के पास स्टोर हो गया। CDSL में स्टोर होने के बाद मान लेते हैं कि हम कहीं दूसरा म्यूचुअल फंड में गए और वो भी लिंकअप है CDSL से, या फिर कहें कि हम दूसरा जगह अकाउंट खुलाते हैं जैसे एंजल वन में तो वो भी CDSL के थ्रू हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो हम फिर से एंजल वन में जब अकाउंट खुलवाएंगे तो KYC कराने में बस उसको डेटा फेच करना पड़ेगा कि मेरे पास डेटा स्टोर है, फेच किया तो तुरंत आ गया हाँ डेटा ठीक है या आदमी पहले से भी वेरीफाइड है। तो इसी से कंपनी को लगभग 80% रेवेन्यू जनरेट होता है, बाकी 5-7% जो नया नया क्लाइंट हर बार ऐड होगा उससे जनरेट होता है। ये थोड़ा सा साइक्लिक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंट बुल मार्केट में खुलेगा और सब बियर में बहुत कम अकाउंट खुलेगा। ये दोनों चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसका मेजर रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग होता है, साइक्लिक होता है, बियर बुल डिपेंडेंट होता है। हम यहाँ जो 80% बोले वो KYC के थ्रू जो CDSL का वेंचर लिमिटेड है उसका 80% बोले हैं, ओवरऑल का नहीं। अब बात करें NSDL और CDSL का कंपैरिजन का, बेसिक कंपैरिजन, तो NSDL को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने की वजह से ये जितना भी बड़ा बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड है, FII है, FPI है, ये सबसे टाई अप कर लिया है। जब सबसे टाई अप कर लिया तो मार्केट बस खाली बच गया
CDSL के लिए कौन सा? रिटेल। तो रिटेल को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए करता क्या है कि छोटा छोटा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, मतलब जो ब्रोकर है, तो छोटा छोटा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है जिसका रिक्वायरमेंट 50 लाख है या मिनिमम रिक्वायरमेंट DP खोलने का 2 करोड़ है, उस सबसे टाई अप कर लिया है। इस सबसे टाई अप करने से ये लगभग इसके थ्रू 3 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खोल चुका है। छोटा छोटा जगह बहुत ज़्यादा Tier 2, Tier 3, Tier 4 एरियाज तक घुस गया है। और जितना ज़्यादा अकाउंट होगा उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू इसको बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल। अगर आप शेयर मार्केट में घुस ही गए हैं और सोच लिए हैं कि पैसा पूरा का पूरा बर्बाद ही करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है कोर्स का, उसको एकदम मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा पैसा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, तो प्रमोटर होल्ड करते हैं 20%, और ये मैक्सिमम लिमिट अगर इसका बात किया जाए तो ये लगभग 24% के आसपास है, जो SEBI रेकमेंड करके रखा है कि आप 24% से ज़्यादा, अगर आप डिपॉजिटरी को लिस्ट कराते हैं तो आप 24% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है रेमुनरेशन का, तो ये काफ़ी लो है, बहुत ज़्यादा लो हमको लगता है, 2% के आसपास रेमुनरेशन है। और CDSL एक प्रोफेशनल रन कंपनी की तरह चल रहा है, तो इसमें कोई खास झंझट हमको फ्यूचर में होने का चांसेस भी नहीं लग रहा है। जहाँ तक बात करें केसेस या स्कैम का, तो हमको कुछ आर्टिकल मिला जिसमें देखा गया था कि इसका जो डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ कुछ आर्टिकल था जो हमको देखने से थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। लास्टली हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स का, कंपनी जीरो डेट है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर तरह का कंपनी है, एक प्रोवाइड करता है कि हाँ ये स्टोर कीजिए, कुछ काम वैसा नहीं करता है कि हमको कोई चीज़ का जरूरत पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, कुछ आदमी का जरूरत पड़ेगा, तो इसका जो मेजर एसेट है वो सॉफ्टवेयर और ह्यूमन रिसोर्स पे है। जहाँ तक बात है कॉम्पिटिशन का, तो इस सेगमेंट में कोई बहुत ज़्यादा जल्दी घुसने नहीं वाला, क्योंकि इनिशियल कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 100 करोड़, और शेयर होल्ड कर सकता है जो भी स्टार्ट करेगा वो 15% दिया गया है टारगेट। तो कोई नहीं चाहेगा कि हम 15% होल्ड करके एक बड़ा उतना बड़ा कंपनी चलाएं और हम NSDL और CDSL से कॉम्पीट करें विदाउट प्राइसिंग पावर, प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ कंडीशन है जिसके वजह से लगता नहीं है कि कॉम्पिटिशन डायरेक्टली आएगा इस मार्केट में। सो कॉम्पिटिशन और डेट की वजह से कंपनी तो बैंकक्रप्ट नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये दोनों काफ़ी मस्त है, क्योंकि कंपनी का खर्च उतना है ही नहीं, मोस्टली ये थोड़ा सा आपको लो दिखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कंपेयर करें तो। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह काम करता है, और इसका लो होने का रीज़न भी है क्योंकि कंपनी का कैश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, प्लस कंपनी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहाँ किया है? डेट में किया है। इससे बेटर होता कि अगर आप डेट में इन्वेस्ट करना है तो बेटर है कि शेयर होल्डर्स को वो दे दीजिए पैसा, वो अपना कर लेगा। खैर यहाँ पे कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है जो कि आपको मेंटेन रखना पड़ता है, जैसा SEBI का रेगुलेशन है। तो ये सारा कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम दिखेगा सॉफ्टवेयर कंपनी से। खैर फिर भी काफ़ी हाई हम बोलेंगे बहुत कंपनी से। अब बात करते हैं कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो को देखने से डायरेक्टली लग रहा होगा कि कंपनी प्रॉफिट करके ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन कैश कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली किसी को भी देखने से एक बार में यही लग सकता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन उसका पैसा तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में कंपनी उसको यूज कर रहा है इन्वेस्ट करने में। बेसिकली ऐसा जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो, वो डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ से उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी अर्निंग आ रहा है। कंपनी ऑपरेट करके तो पैसा निकाल ही रहा है, साथ ही इन्वेस्ट करके भी उसको पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का पैसा दो जगह से आ रहा है। इसीलिए जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग दोनों जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे ऑपरेटिंग का बस आपको कम दिख रहा है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा, हम बस नंबर देख के एनालाइज करना बेटर नहीं समझते हैं, आपको प्रॉपर बिजनेस समझना पड़ेगा। लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन का, कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट है अराउंड 140 करोड़, और इसको अगर हम 20-30 का मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 2800-4200 करोड़ के आसपास। अब अगर हम ऑनर्स अर्निंग के थ्रू कंपनी का वैल्यूएशन निकाले, जिसका वैल्यूएशन आ रहा है अराउंड 1500 करोड़, दो कंपनी एक कैश जनरेटर है, स्टिल ये अपना बहुत सारा पैसा रख रहा है बॉन्ड में, डेट में, जिसके वजह से हमको इसका वैल्यूएशन उतना हाई नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ। और अभी कंपनी चल रहा है विथ 13,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जो क्लियरली बताता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड में है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस CDSL लिमिटेड के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।